विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2022 का हुआ भव्य उद्घाटन। डिप्टी सीएम व अन्य कई मंत्रियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया मेले की शुरुआत। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2022 का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उद्घाटन किया। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षद भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद कांवरियाएं बम भोले के नारे लगाते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम के लिए रवाना होने लगे। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट से सावन और भादो महीनों में लाखों लाख श्रद्धालु बाबा बैजनाथ धाम जल अर्पण के लिए सुल्तानगंज से जल भरते हैं। बीती दो वर्षों से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष लगने वाले श्रावणी मेला की तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रावणी मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावे बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन, भागलपुर सांसद अजय मंडल, बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, भूदेव चौधरी के अलावा कई विधायक, सांसद व वशिष्ठ राजनेता भी शामिल थे। प्रशासनिक खेमे में प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी भागलपुर, डीआईजी, एसएसपी के अलावा कई पदाधिकारी भी शामिल थे। सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिस मार्ग से कांवरियाएं जल लेकर जाएंगे, वहां पीएचईडी और नगर परिषद के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है। कांवरियाओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ठहरने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। पर्यटन विभाग एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की ओर से मुंबई से आए हंसराज रघुवंशी की भी प्रस्तुति के साथ साथ राज्यों और स्थानीय कलाकारों की भी प्रस्तुति की जा रही है। इस मेले की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के मंत्री माननीय रामसूरत राय जी, माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी, माननीय मंत्री नारायण प्रसाद जी, माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे सुल्तानगंज के स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधान पार्षद भागलपुर से बांका, माननीय विधायक अवसर पर उपस्थित पूरे कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, भागलपुर जिला के सम्माननीय प्रभारी मंत्री श्री रामसूरत राय जी, पर्यटन विभाग के सम्माननीय मंत्री और जिनके राजस्व भूमि सुधार के बाद बड़ी भूमिका है इस पूरे मेले के आयोजन में, श्री नारायण प्रसाद जी, भागलपुर की सेवा की है और भागलपुर ने उद्योग के क्षेत्र में जो अग्राई ली है उसके प्रणेता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी और ऐसे शख्सियत जिन्होंने सड़क के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई और पूरे बिहार के लिए जो लगातार केंद्र से लेकर राज्य तक सड़कों का जाल बिछाने में लगातार प्रयत्नशील ऐसे श्री सम्माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, बांका के सम्माननीय हमारे सांसद जिनके साथ हम सब लंबे वक्त तक बिहार विधानसभा में क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहे, ऐसे श्री गिरधारी यादव जी, हमारे बीच भागलपुर के सम्माननीय सांसद इनके साथ भी लंबे वक्त तक बिहार विधानसभा में काम करने का अवसर मिला है, श्री अजय मंडल जी, बिहार विधानमंडल के हमारे सम्माननीय सदस्य और स्थानीय हमारे विधायक जिन्होंने
अपने आवेदन के द्वारा कई विकास के कई विधियों की ओर हम सबों का ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसे श्री अजय मंडल जी, श्री ललित नारायण मंडल जी, कहलगांव के सम्माननीय विधायक श्री पवन यादव जी, पीरपैंती के सम्माननीय विधायक श्री ललन पासवान जी, विधान परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह जी, जिला परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री टुनटुन शाह जी, इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव श्री संतोष कुमार मल जी, हमारे बीच उपस्थित परम जैन विराजे विश्वनाथ तो काशी है। मित्रों, आज विगत 2 वर्षों के बाद श्रावणी मेला का शुभारंभ गंगा के इस पावन तट पर प्रारंभ हुआ है। कोरोना संक्रमण के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां बनी थी, उसके कारण हम सब इससे कहीं ना कहीं वंचित हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की आराधना जो सुल्तानगंज के गंगा नदी के इस किनारे प्रारंभ होती है, और यह आराधना बगल के झारखंड के बाबा वैद्यनाथ में समाप्त होती है, और यह कांवड़ लेकर जब हमारे शिव भक्त लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर इस आध्यात्मिक और रोमांचित यात्रा पर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में, उनके तन में, उनके जीवा में शिव ही शिव होता है। यह पूरा 1 महीने का जो ये सावन का मास है, शिव की भक्ति में लीन सभी जो हमारे कांवड़िया भाई हैं, वो अपने शिव की आराधना में अपने को लीन कर देते हैं, और वास्तव में शिव के सानिध्य में को ऐप का लोकार्पण किया, उसके लिए हमको बधाई देते हैं। मैं आज के इस मंच से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि बाबा बैजनाथ धाम की नगरी में, उसके मंदिर में उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बाबा की आराधना करके उन्होंने जो भारत के विकास की और भारत के लोगों के जीवन के कल्याण की का जो पूजन किया है, हम कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं भूल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के आध्यात्मिक और गौरव के स्थानों को जिस प्रकार से पूरे भारत में श्रद्धा का केंद्र और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाने का जो संदेश दिया है, हम भारतवासी को भी उसका अनुसरण करने की आवश्यकता। यह केंद्र सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, यह पूरे समाज का वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकृति भी आभार प्रकट करते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से बिहार सरकार की जो सोच है, बिहार जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वो परिलक्षित करने का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सुल्तानगंज के जितने भी भाई बहन हैं, देवी हैं, उन सबों को के प्रति भी हम सरकार की ओर से साधुवाद देते हैं कि सिर्फ सरकार अकेले जनता के काम को नहीं कर सकती है जब तक कि समाज खड़ा नहीं हो। मैं कल से इस क्षेत्र के दौरे पर हूं, हमने देखा कि किस प्रकार से और इसके अलावे एसटीपी और उसमें जो शहर के नाले हैं, उन नालों को एसटीपी से जोड़ने के लिए 63,51,00,000 की लागत से उसका भी निर्माण लगभग पूरा हुआ है, लेकिन अभी मुझे मैं बता दूं तक उसको कि हमारा ये प्रदेश में उसे पूरा कर लेंगे, और इसके साथ हाँ सभी नालों को एसटीपी से जोड़ेंगे, और एसटीपी का भी हम ड्रेनेज इसमें करने जा रहे हैं, और हमारा ये प्यारा प्रदेश बिहार जो निश्चित रूप से क्रांति भूमि।